हरियाणा की सियासत का मिजाज अनूठा है। चुनावों में नेताओं की वाणी आपा खो देती है, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी राजनेता पीछे नहीं हटते हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। संकट की इस घड़ी सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी अपनी एक सजग और संवेदनशील भूमिका अदा करता नजर आ रहा है। रिपब्लिक हरियाणा आपको बताएगा कि हरियाणा के ऐसे कौन से राजनेता है जो रोजाना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम नागरिकों तक सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर्सनली अपने ट्विटर हैंडल से आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दीपेंद्र की ओर से एक टीम का गठन किया गया है। टीम दीपेंद्र नाम से बनाई गई टीम के लोग लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। सिलेंडर से लेकर इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला एक्टिव मोड में हैं। आम नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। यही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला स्वयं सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर जरूरी वस्तुएं यानी कि सैनिटाइजर और पीपीई किट्स उपलब्ध भी करवा रहे हैं। रणदीप लगातार इस मुहिम में जुटे हैं। पीड़ितों तक ऑक्सीजन प्लाज्मा की मदद उनकी टीम की ओर से की जा रही है। इसी प्रकार से कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी एक टीम तैयार की है। टीम बी के से जैसे ही कोई मदद मांग रहा है तो टीम के सदस्य उक्त स्थान पर पहुंचकर विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि कोरोना महामारी एक विकराल रूप धारण करती जा रही है, इसी के चलते हरियाणा में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन जारी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बता चुके हैं कि हरियाणा में ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी नहीं है। मंगलवार को ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना की मदद से ऑक्सीजन लाने के लिए हवाई जहाज भी रवाना किए हैं। सीएम खट्टर ने यह भी बताया कि सेना की मदद से हिसार और पानीपत जिलों में 500 बेड के अस्पताल भी लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में इन्हें आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में दूसरे राज्यों के कोरोना से लड़ रहे पेशेंट भी दाखिल हैं और हरियाणा किसी भी पेशेंट को हरियाणा के अस्पताल में दाखिल होने से नहीं रोक रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी बीपीएल परिवारों को राहत देते हुए 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है ताकि उन्हें क्वारंटाइन के वक्त किसी भी प्रकार की कोई समस्या से जूझना ना पड़े। हरियाणा के कोरोना मीडिया बुलेटिन के अनुसार हरियाणा में फिलहाल 44,88,920 लोगों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है और रिकवरी रेट 81.0% है, जबकि फेटलिटी रेट 0.92% है। कोरोना के इस जंग में एनजीओ भी आम लोगों का खूब सहयोग कर रहे हैं। जहां एक ओर गुरुद्वारे की ओर से लंगर सेवा लोगों के घर तक पहुंचाई जा रही है, वहीं कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो कि होम आइसोलेट लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना व दवाइयां मुहैया करवा रहे हैं। एनजीओ के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नंबरों का फैलाव कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। कुछ एनजीओ विभिन्न अस्पतालों में दाखिल पेशेंट्स को दूध और फल भी मुहैया करवा रहे हैं। सोमवार को हरियाणा में कुल 12,718 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें सर्वाधिक पॉजिटिव मामले गुरुग्राम से आए, जहां 2,749 लोग पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद फरीदाबाद में 1,347 और हिसार में 1,185 पॉजिटिव मामले सामने आए। हरियाणा के हर जिलों में कहीं भी 100 से नीचे मामले नहीं आ रहे हैं और ताजा हालातों को देखते हुए सरकार ने भी कड़े फैसले लिए हैं। हरियाणा में फिलहाल 1,13,232 एक्टिव केसेस हैं, वहीं 5,766 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपब्लिक हरियाणा आपसे गुजारिश करता है कि अत्यंत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और सरकार के गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।